खिलाड़ी का स्वागत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार विश्वनाथ, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गेंद स्ट्राइक कवर की तरफ जाती भी, एक रन का इजाफा। सिंगल के साथ खाता खुलता है बल्लेबाज का, हुसैन काजिब एक जबरदस्त खिलाड़ी है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज सादिक, इंटरनेट खिलाड़ी है विश्वनाथ। इस बार ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी गेंद, गेंद विकेट के पर के तस्तन की तरफ जाती भी, रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी गेंद थी। सवाल तो बहुत सारे जो कि खिलाड़ी पूछ रहे हैं, विकेट कीपर पूछ रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ अपनी जगह पर आ रहे हैं। जब इतना कॉन्फिडेंस होता है तो बिल्कुल विकेट कीपर भी सवाल पूछते हैं, गेंदबाज भी सवाल पूछते हैं। सादिक की बात करें तो सादिक एक जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन अभी भी फॉर्म में नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता बहुत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विश्वनाथ, इस बार सुंदर तरीके से ड्राइव किया, लेकिन बीच में जो कि विश्वनाथ के पैर आए, जबरदस्त स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव किया था। स्ट्रेट ड्राइव की बात करें तो सचिन तेंदुलकर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। स्ट्रेट ड्राइव के बारे में कहा जाता है, जब बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव करता है तो बल्लेबाज की गाड़ी पटरी पर आती है और मजबूर होते हैं गेंदबाज से चर्चा करने के लिए। तो ये एक बार फिर अच्छा शॉट था, सीधे बल्ले से बल्लेबाज खेलते हुए सादिक, सादिक पहुंचे एक पर रन संख्या 2 रन। ऑफ के बाहर चतुरा के साथ गैप में खेले, आउटफील्ड बहुत तेज है, पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद का रुकने वाली है, सुपर पास आउटफील्ड, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए जाते भी, इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढते रन, 4 गेंद बॉडी लाइन के बाहर, गोली की रफ्तार के साथ फरार। शुक्रिया, रन संख्या 6 रन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। विश्वनाथ दानियो की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रमुख गेंदबाज है, राउंड विकेट। अब आप खेलते हुए बहुत सुंदर तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, खिलाड़ी है, शानदार कैच, ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, क्या कमाल का कैच है, तालियां बज रही है, गाना भी बजेगा। शुक्रिया डीजे, हमारे सबके दिल की धड़कन फखरुद्दीन जी मलबारी इनकी तरफ से इस सुपर हिट कैच के लिए, सुपर कैच के लिए 500 का इनाम है। ये सुपर से ऊपर वाला कैच था, क्योंकि ये देखिए मिड ऑफ का खिलाड़ी पीछे आके ये कैच लेना था, विजय बहुत अंदर थे, गेंद ट्रैवल हो रही थी और एक बार फिर वो मुड़ गए। और विश्वनाथ के ये छोटे भाई है, गेंदबाजी कर रहे बड़े मियाँ और कैच लिया छोटे मियाँ ने, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया, शानदार कैच, दमदार कैच चाहिए। और विकेट किसका, विकेट अगर देखे तो विकेट मिलेगा यहां बल्लेबाज हुसैन काजी का, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राजू मिश्रा। एक अच्छा मैच चल रहा है मैदान के अंदर, एक तरफ रिजवान 11 चैंपियन बसी टीम है, दूसरी तरफ से धानिव गावदेवी धानिव की टीम है, और धानिव का प्रदर्शन इस सीजन में बहुत अच्छा चल रहा है। उड़ाना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा, आसिफ का छोड़ने वाले हैं, लगातार 2 झटके लगे हैं, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए गॉन। शुक्रिया सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का, स्वागत है इरफान चाचा पहुंच गए हैं, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया इरफान चाचा, और उनकी तरफ से सारी हमारी जो टीम है इनके लिए फ्रूट आए हैं तो ये भी केयर कर रहे हैं। चलिए मैदान के अंदर जाएंगे, 6 गेंदों का खेल समाप्त होता था, एक जबरदस्त कैच विजय की तरफ से, 500 का इनाम और ये पैसा वसूल कैच था, क्या कमाल का कैच, मेरे हिसाब से टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होगा। रन संख्या 6 रन, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। धनंजय क्या सोच रहे, किस तरह से यह देख रहे पहले ओवर को? ज्या प्रकारे आपण विश्वनाथ जाधवला पाहिलं असेल, अनुभव या खेळाडूकडे भरपूर आहे, त्यानंतर विश्वनाथ जाधव यांनी चांगले षटक घातले, ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं असेल अडचणीमध्ये सापडतो थोडासा रिजवान 11 वसई कोलीवाडाचा हा संघ आपण पाहतायत। दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज दाखल होईल नंदन, नंदन देखील एक चांगला खेळाडू या संघाचा आहे, आज कुठल्या प्रकारे तो कामगिरी करतो ते देखील पाहण्यासारखं असेल। चला घाई करा प्लीज,
नंदन दाखल होईल गोलंदाजी मार्गावरती। राजू मिश्रा अजूनही मैदानाच्या आत आहे। राजू मिश्रा जोपर्यंत मैदानाच्या आत आहे तोपर्यंत प्रशंसक एक चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये यशस्वी होईल। बिल्कुल नंदन की बात करें तो जिस तरह से वो पंकज यादव का टूर्नामेंट अभी भी मुझे याद है, बहुजन विकास आघाड़ी का टूर्नामेंट, नंदन ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था अप्पा मैदान में। तो ये कमाल के खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी, थोड़ा फॉर्म पे आने की जरूरत है। दूसरी तरफ से राजू की बात करें वो भी जबरदस्त है और रत्नेश जिनने पिछले मैच में जान डाली तो वो भी मैदान के अंदर है, तो एक अच्छा बैटल होगा मैदान के अंदर। नक्कीच गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज अपन पाहताय सज्ज होईल। नंदन पहिला चेंडू राउंड विकेट, पहिला चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय, चेंडूला पाठवलाय स्टँड अँड डिलिव्हर, व्हॉट अ शॉट बाय राजू मिश्रा। सन्माननीय डॉक्टर रिजवानजी साहेब यांच्या माध्यमातून 3 षटकांसाठी 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाईल। पारितोषिक देखील येते डॉक्टर रिजवान साहेब यांच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 3 षटकार 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज। राजू मिश्रा मैदानाच्या आत आपण पाहतायत चांगली बॅटिंग, पहिल्या बॉल वरती सिक्सर, दुसरा बॉल इथे उडवण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय, क्षेत्ररक्षक घेतोय बिग विकेट, राजू मिश्रा बॅक टू डग आउट, विकेटचा पतन। प्रशांत सर एक मोठा फटका आल्यानंतर दुसरा मोठा फटका येणं गरजेचं होतं का, ते देखील एक महत्वाचा प्रश्न आहे। आणि राजू मिश्रा ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं असेल नंदनला श्रमता खेळाडूकडे भरपूर आहे आणि नंदनवरती तुम्ही बॅक टू बॅक 2 षटकार खेळणं थोडंसं अशक्य आहे। ऑल क्रिएटर्स आर नॉट गोल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर गेंद जो है वो छक्के चौके के लिए नहीं आती, क्रिकेट में संयम भी बहुत जरूरी है। एक आपने अच्छा शॉट खेला उसके बाद में गेंदबाज भी एफर्ट डालेगा, गेंदबाज भी आपके शिकार करने के लिए आया है, तो आपको वो थोड़ा संयम बरतना था, वो एक बार फिर आप संयम नहीं रख पाए इसीलिए आपका विकेट गिरा, हमला करने की कोशिश शिकार बनके बैक टू द पवेलियन जाते हुए। नंदन को विकेट चाहिए था क्योंकि अगर विकेट गिरेगा तो एक बार फिर बल्लेबाजों का मनोबल गिर सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल गेंदबाज की थोड़ी और ऊपर आएगी। नक्कीच आणि नवीन बॅट्समन मैदानाच्या दाखल झालाय अमर, न्यू बॅट्समन अमर मैदानाच्या आहे, आपण पाहू शकतात वसे फाटा चषक 2021 मोफास ग्रुपच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन, स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपण पाहतायत फक्रुद्दीनजी मलवारी सर, अर्षजी चौधरी, हन्नाजी चौधरी सर, शजाजी चौधरी, इर्षाद खान, किशोरजी काकडे, मुदस्सीर भाई, सर्वांच्या माध्यमातून आपण एक चांगली दर्जेदार स्पर्धा पाहताय। डायरेक्ट हिटची संधी आहे, इथे डायरेक्ट हिट नसेल एक धाब्या चेंडूवरती जरूर कंप्लीट केली जाईल आणि एका धाब्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचतंय 13 धाब्यांवरती 13 चाकडा पुढे येतोय, 3 विकेटचं देखील पतन, 3 महत्वाचे बॅट्समॅन मैदानाच्या बाहेर आल्यानंतर ही स्थिती आहे। हुसेन काझी एका बाजूने आपण पाहिला, त्यानंतर सादिक अन्सारी, राजू मिश्रा हे 3 महत्वाचे खेळाडू, नजर या खेळाडूंवरती होती, ते 3 खेळाडू मैदानाच्या बाहेर। विकेट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही, चांगली बॉलिंग मैदानाच्या। नंदन मी म्हटल्याप्रमाणे ह्या खेळाडूकडे ती गोलंदाजी आहे, प्रतिभाशाली हा खेळाडू आहे आणि आज ते मात्र मैदानाच्या तो आत दाखवतोय चांगली बॉलिंग। चेंडू जातापर्यंत खेळ झालाय, 4 चेंडूचा खेळ झालाय, धावसंख्या आहे धावफलकावरती 13 धावा। धनी वर्षे चालू असलेला हा मॅच, रिझवान 11 व्हाइट बॉलचा इशारा पंच दर्शवतात, एक्सरसाइज करतात आणि आम्हाला कळवतात व्हाइट बॉल आहे, व्हाइट बॉल असल्या कारणामुळे धावसंख्या 1 पुढे जाऊन पोहोचते, 14 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत। वसे फाटा चषक 2021 आजचा 6वा दिवस या स्पर्धेचा, गोलंदाज सज्ज होईल विकेट करण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेने चेंडू आपण पाहतायत लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावा चौकार। क्षेत्ररक्षण होणं गरजेचं होतं, क्षेत्ररक्षकाने ते चुकी केली, चुकीचा फायदा झाला 4 धाबेमध्ये आणि 4 धाब्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले असताना 18 धावा। शेवटचा बॉल नंदन सज्ज होईल राऊंड विकेट, अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आपण पाहता निघून जातोय, विश्वनाथ जाधव वेगाने पुढे चेंडूवरती सरसावलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव्या चेंडूवरती पाहायला भेटते। 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर डॉक्टर रिझवान 11 संघाची धावसंख्या आहे 19 धावा, धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत। एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर तिसरं षटक मैदानाच्या मार्गस्थ होईल, प्रशांत सरांचा आवाज आपल्यापर्यंत एक होईल। खेळ घाडात बाजतो त्या लहान शोएबचा,
सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। भोपाल ग्रुप प्रेजेंट बसेपट्टा चषक 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम देख रहे हैं और एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ जय विश्वकर्मा को मौका मिला। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करो तो बल्लेबाज तैयार रत्नेश के लिए बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद उछाले थे भी एंगल क्रिएट किया। एक बार फिर क्रीज के कोने का भी इस्तेमाल करना भी ये जानते हैं। सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। जिस तरह से मैच, जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है रोमांच, बढ़ गए दिलचस्पी, बढ़ गए दर्शक काफी। और कौन उठाएगा वसई पट्टा चषक 2000 की ये खूबसूरत ट्रॉफी। ये ट्रॉफी को जीतेगा इसलिए एक बार फिर सबके मन में सवाल है। पहला दिन सातवें का रहा, दूसरा कुडूस का। फुटटॉस बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद की तरफ नहीं आए। लॉन्गर की तरफ शानदार फील्डिंग विश्वनाथ द्वारा। विश्वनाथ की बात करें तो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने संघर्ष करते हुए एक इंटरनेशनल का स्टिकर अपने पीछे लगाया है। विदर टीम में खेलते हैं, आज अगर देखें तो अपने गांव के लिए खेल रहे हैं। जय विश्वकर्मा एक बार फिर तैयार। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अमार। छोटी गेंद थी, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम चौके। विश्वनाथ जाधव कहां कहां छोड़ने वाले हैं। और एक विकेट मिलता हुआ, बड़ा झटका लगा है, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। तारीफ की बात करें तो इस सीजन का सफर बहुत अच्छा रहा है। नंदू जी नेतृत्व करते लीजेंड खिलाड़ी हैं, तालियां बजा रहे अपने गेंदबाज के लिए। मैदान के अंदर बल्लेबाज कुडूस आए हैं। ओ ये अच्छी गेंद, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते भी, लहराती हुई गेंद, कांटा बदलते हुए गेंद, जबरदस्त गेंद है ये। बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकते, अनप्लेबल गेंद है। पहले से ऑन साइड के बारे में सोच रहे, ऑन ड्राइव के बारे में सोच रहे थे। एक्सलेंट बॉलिंग बाय जय विश्वकर्मा। सुंदर गेंदबाजी, पहले थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके गए, एक बार फिर इस गेंद को अंदर की तरफ लेके आए। दुविधा पैदा कर रहे हैं बल्लेबाज के मन में। अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो बल्लेबाज के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी है। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जय विश्वकर्मा द्वारा। रन संख्या 21-21। बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी एक बल्लेबाज को वो बड़े शॉट खेल लोगे। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। और श्री सत्यनारायण टीम के कप्तान को विनती, आप रेडी रहे, अपने के बाहर कट करना चाहते थे और ये कैच हो सकता था, कमजोर कोशिश। इस तरह के कैच हो सकते, विजय ने बताया था। ओवर की बात करें तो ये तीसरे ओवर का खेल जय विश्वकर्मा का एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन। विकेट की बात करें तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड डिपार्टमेंट, जो साझेदारी की जरूरत है, गेंदबाज साझेदारी बना रहे। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी। हमारे डायस के पीछे गाड़ी है, 77781 इर्टी का गाड़ी है, वो थोड़ी परेशान कर रही है, ट्रैफिक जाम हो गया है। आरटी का गाड़ी है तो प्लीज उस गाड़ी को हटाइए। 77781 ये गाड़ी है, व्हाइट कलर है। मैं समझ सकता हूं कि आप ये मैच देखने के लिए आए, लेकिन सही जगह पर गाड़ी पार्क कीजिए, पीछे है पार्किंग जोन। प्रतीक तैयार गेंदबाजी करने के लिए, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, धनंजय शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन तीसरे ओवर में। थैंक यू। प्रतीक दाखल होईल ओवर नंबर 4। पहिला बॉल पडल्यानंतर आपण पाहतात पंच दर्शवतात व्हाइट बॉल, आणि व्हाइट बॉलने धावसंख्या धावफलकावरती जर आपण पाहिले तर जाऊन पोहोचते 23 धावा। प्रशांत सर, ज्याप्रमाणे आपण हा सामना पाहतात ना, दानिव संघाने आतापर्यंत रोखून धरलंय, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी असेल विश्वनाथ जाधव असतील, त्यानंतर नंदन असतील, जय आपण जय विश्वकर्माला पाहिलं असेल, चांगली गोलंदाजी राहिली, 3 षटक चांगले हाताळल्यात, चौथं षटक। प्रतीक पहिला बॉल इथे आपण पाहतात, चांगला बॉल आहे डॉट बॉल, आणि विश्वनाथ जाधवला आपण पाहू शकतात विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये। हे एक चांगला खेळाडूचं आपण पाहतात प्रत्यक्षीकरण असतं। विश्वनाथला आपण लॉंग ऑनच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं असेल, यावेळी आपण पाहतात प्रतीक एक युवा गोलंदाज आहे आणि युवा गोलंदाजावरती तो भर दिला जातोय, आणि तिथे आपण पाहिलं तर विश्वनाथ यांना विकेट किपरच्या मागे। एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल
अपन पाहतात लॉन्गन मधून क्षेत्ररक्षक जय विश्वकर्मा वेगाने पुढे येते. चेंडू वरती दोन धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. दोन धावा येतात, दोन धावाने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते. आपण पाहिलं असतील 25 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. यानंतर होणारा सामना श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स क्लब कोपरी संघ कॅप्टन फ्रेंडशिप 11 कोलीवाडा. दोन संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण टॉस साठी लगेचच या. गोलंदाज पुण्याचा सज्ज होईल प्रतीक. राउंड विकेट ने चेंडू फुलटस बॉल आहे. फुलटस बॉल ला उडवलाय लॉंगच्या डोक्यावरून दंडा स्ट्रोक 6 धावा. थँक यू. चांगली बॅटिंग आता मात्र मैदानाच्या. फुलटस चेंडू होता, लोअर फुलटस बॉल आणि लोअर फुलटस बॉल ला दाखवलाय लॉंगांच्या डोक्यावरून. आपण हा षटकार पाहिला. धावसंख्या धावफलकावरती लगावली गेलीय. रिझवान 11 वसई संघाची आहे. 31 धावा धावफलकावरती पाहायला भेटतात. तीन महत्वाचे फलंदाज हुसेन सादिक राजू तंबूच्या लवकर असराला परतले. चांगला बॉल, चांगला बॉल कम बॅक करतोय प्रतीक. आपण पाहू शकताय चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. एक चेंडू वाईट त्याने जरूर हाताळलाय. एक षटकार देखील त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटला. आणि चार चेंडू मध्ये आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावरती आहे 31 रन. शेवटचे अंतिम दोन चेंडू जर कळीनं बाकी असेल. पाचवा बॉल, गोलंदाज सज्ज होईल प्रतीक. बिगिन करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आपण पाहतात गॅप मध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठला करेल. चेंडू क्षेत्ररक्षण होईल. दोन धावा तर या चेंडूवरती सहज कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धावेसाठी कुठलाही कॉल नाही. यानी की या चेंडूवरती दोन धावा आणि या दोन धाब्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 33-33 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पहिल्या डावामध्ये आपण पाहिलं असेल रिझवान 11 वसे संघाची धावसंख्या आहे ती 33. लास्ट बॉल प्रतीक सज्ज होईल. शेवटचा अंतिम चेंडू हाताळण्यासाठी राईट आर्म राऊंड विकेटने सुरुवात करेल. ऑफ स्टंपच्या बाहेरून चेंडूला उचललाय. चेंडू आपण पाहतात निघून जाईल. मॅक्झिमम सिक्स येतोय, षटकार येतोय. आणि या शेवटच्या चेंडूवरती षटकारांना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 39 धावा धावफलकावरती. एक फायटिंग टोटल इथे उभारली जाईल प्रशांत सर. आणि 40 धाव्यांचा पाठलागाला सुरुवात होईल. 40 धाव्यांचा पाठलाग केला जाईल का. आपण टॉसच्या दिशेने वळणार आहोत. जिथे दोन संघ आपण पाहतात, एका बाजूला श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स क्लब कोपरी संघाचे कॅप्टन दाखल होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने फ्रेंडशिप 11 कोलीवाडा. बिलकुल अक्षय पांडव वहां जुड़ने वाले है. 40 रन है तो धनंजय मेरे हिसाब से वो फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए काफी है, लड़ सकते हैं. एक बार फिर अगर बेहतर गेंदबाजी करेंगे तो ये मैच भी बहुत अच्छा बन सकता है. फ्रेंडशिप कोलीवाडा और सत्यनारायण कोपरी के बीच एक जबरदस्त मैच होगा. टॉस की तरफ जाएंगे. टॉस का बॉस एक ब्रेक के साथ सीधा एक बार फिर टॉस बॉस में जाएंगे. टॉस कडे आम्ही जातोय. इथे रहमान भाई आमच्या सोबत जोडले जात आहेत. टॉस खेळला जाणार आहे दोन्ही टीमचे कॅप्टन. आपण लवकरात लवकर नाणेफेक करण्याकरता पुढे यायचे. हरीश आमच्या सोबत जोडले जात आहेत, जे नाणेफेक करण्याकरता इथे दाखल झालेत. टॉस बॉक्सच्या समोर कोणी उभी राहू नका प्लीज, विनंती आहे. वसई संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे दाखल झालेत. मुफाज असा कॉल आलाय आणि मुफाज येतोय. धन्यवाद. टॉस जिंकला हरीश, टॉस जिंकून काय करणं पसंत करशील? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार, फिल्डिंग करणार आहे. कशी मजा आली ही स्पर्धा खेळताना? पहिला सामना तो खेळलाय, पहिल्या सामन्यात खूप चांगली फलंदाजी भरतकडनं झाली. ही स्पर्धेबद्दल काय म्हणशील आणि ही स्पर्धा खेळताना कशी मजा आली? स्पर्धा खेळताना खूप मजा आली आणि आम्ही दरवर्षी इथे खेळतो. विशेष म्हणजे मी मुफास क्रिकेट क्लबचे आभार मानेन की ही स्पर्धा त्यांनी आयोजन केली. धन्यवाद. शुभेच्छा असतील आपल्याला, दोन्ही टीमला आमच्या शुभेच्छा असतील. इथे नाणेफेक जिंकली आहे ती सत्यनारायण कोपरी संघांनी आणि त्यांनी निर्णय घेतलाय पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा. जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जिथे धनंजय आणि
प्रशांत आदवडे आपल्या सोबत जोडले जातील. शुक्रिया अक्षय. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. भोपाल ग्रुप प्रेजेंट बसेपटा चषक 2021 जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है. खूबसूरत बल्ला है और क्या 15 दिनों की वो मेहनत है. खास करके प्रशंसा करनी चाहिए नदीम मंसूरी और जो बल्ला स्पॉन्सर किया है फकरुद्दीन मलबारी साहब ने, तो एक जबरदस्त बल्ला मिलेगा बेस्ट बैट्समैन को. एलईडी टीवी के हमारे स्पॉन्सर है इरशाद भाई, इरशाद जी खान जो मैन ऑफ द सीरीज के लिए वो एक बार फिर खूबसूरत एलईडी है. मैन ऑफ द सीरीज साइकिल प्रथमेश पाटिल और उसके साथ पानी जो स्पॉन्सर किया खास करके अक्सा मेडिकल सोपारा केमिस्ट आसिफ अंसारी मोहम्मद भाई मार स्पॉन्सर भाई किशोर काकड़े. अगर आप ठीक है तो मैं 6 छक्के जड़ते हैं तो बिल्कुल 10,000 का इनाम है. सवाल 10,000 का है और इनाम जो है मोपास ग्रुप की तरफ से है. आपको मेहनत करनी होगी, 10,000 आपको मिल सकते हैं. यह आंकड़ा अगर है वो बढ़ सकता है, बढ़ती का नाम जिंदगी है. यहाँ कुछ भी कम नहीं होने वाला है, लेकिन आपको दमकम लगाना होगा. गेंदबाजी में अगर बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. साहिल जबरदस्त गेंदबाजी की थी. साहिल भाटी कमाल के प्रदर्शन जो कि इन्होंने आमदार चषक में अभी भी किया है. सपाली के टूर्नामेंट में पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, दूसरा मैच भी जबरदस्त खेले थे. और ये मैच देखे एक बार फिर इसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है. 24 गेंदे 40 रन टेनिस की गेंद ज्यादा नहीं होते, लेकिन लड़ने के लिए काफी है. शुरू शुरू में इनके रन ही नहीं बने थे तो जो आखिर में जो दो तीन बड़े शॉट आए इसका फायदा मिला. भगवा करंट की अगर बात करें तो मंगेश ने 5 गेंदों में 5 छक्के जड़े हैं, वो भी कमाल के खिलाड़ी है. मैच शुरू होता बाप मुकाबला शुरू होना चाहिए, इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए. पहली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार. 9 सेकंड पर विश्वनाथ विशु जाधव बिल्डिंग में अभी भी तब्दीली करना चाहते हैं. अब देखिए आप ये मैच 3 ओवर में समाप्त करना चाहते हैं या आखिर तक लेकर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है. पहली गेंद इस बार खिलाड़ी मौजूद, दैट शुड बी टेकन. काजी के हाथ में एक आसान कैच और मंगेश बैक टू द पवेलियन और साहिल को मिला पहला विकेट. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत वस्ता हुआ. शुक्रिया डीजे. 40 रनों की जरूरत है. पहली गेंद पर मंगेश का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट खोया है दानिब की टीम ने, तो ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा अवसर रहेगा खास करके गेंदबाज साहिल के लिए. अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑलवेज गिवन बट क्रिएटेड. अवसर हमेशा मिलते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं. ये बहुत बड़ा अवसर है और पहली गेंद पर आपको ये बड़ा विकेट मिला है, बड़ा शिकार. भोपाल ग्रुप प्रेजेंट बसे पटा चषक 2021 क्रिकेट का 5 संग्राम आयोजन करता फखरुद्दीन जी मलबारी, अर्शद चौधरी, शहजाद चौधरी, मुदस्सिर भाई, इरशाद खान, किशोर भाई काकड़े, आसिफ भाई. उसके साथ अगर देखें तो बेस्ट बैट्समैन मेड बाय नदीम मंसूरी, स्पॉन्सर बाय फखरुद्दीन मलबारी. एलईडी पर स्पॉन्सर बाय इरशाद खान. मैन ऑफ द सीरीज के लिए जबरदस्त जो कि एलईडी मिलेगा. एक बार फिर आगे जो कहानी जरूर बताएंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. साहिल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हकीम आए हैं. थर्ड बैंड पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप बैक पॉइंट पर खिलाड़ी है. अब देखिए लेफ्ट हैंडर है इसीलिए एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर है, डीप स्क्वायर लेग पर है. दोनों लेफ्ट हैंडर है तो इसका सही फायदा उठाने की जरूरत है. गेंदबाज की बात करें तो वो भी लेफ्ट हैंडर है. इस ओवर की दूसरी गेंद और अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी पीछे. एक बार फिर वो खिलाड़ी है, सुंदर फील्डिंग का मजा. पहली दो गेंदों की अगर कहानी देखे तो पहली पर विकेट है, दूसरी पर बिंदी है, तीसरी पर क्या कहानी है. 40 है, बैंक बैलेंस बहुत कम है. जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास वो लाजवाब है. वो सिर्फ एक बार सोच के इनको गेंदबाजी करनी है. बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. साहिल कॉम्बॉक्स इनसे गेंदबाजी करेंगे हकीम के लिए. इस बार अच्छी गेंद नजर की तरफ, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है. थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई है, कमजोर कोशिश की, इसका फायदा जरूर उठाएंगे दोनों बल्लेबाज. और बल्लेबाज हकीम का खाता खुलता बाप. रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 40 रनों का पीछा करती भी टीम. मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अच्छा मुकाबला है. एक तरफ अगर देखें तो धानिब की टीम है, दूसरी तरफ से अगर देखें तो इस वक्त डॉक्टर रिजवान इलेवन की टीम. डॉक्टर रिजवान इलेवन की टीम ने आज बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन जो बातें पीछे हैं खास करके आपने जो बल्लेबाजी की है उसके बारे में ना सोचे. समय एक बार फिर विरल नायर सही फरमा रहे हैं.
समय की बात करते हो, समय किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, समय किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए रुकने वाला नहीं है। तो प्लीज आपको विनती है सही समय पर चले। इसीलिए कल घड़ी बांटी गई थी, खास करके जो घड़ी थी दी गई थी मुदस्सिर भाई की तरफ से, वो टीम थी कुडुस की, होंडो ने कमाल कर दिया था, जबरदस्त प्रदर्शन इनकी तरफ से हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, साहिल स्ट्राइकर पर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है टेनिस जगत का। समय ज्यादा जा रहा है, लेफ्ट राउंड विकेट ऑन साइड पर स्वीप का खूबसूरत चौका दबा, दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, चार रन। शुक्रिया डीजे। ये शॉट इतना आसान नहीं था, फ्लाइटेड गेंद थी, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही थी, अगेन द स्विंग खेला था डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ, एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज विश्वनाथ का, खाता खुलते हुए चौके के साथ। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, बाहरी के दर लगा, लेकिन सही जगह पर खिलाड़ी तैनात है। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ने वाली, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति पर है, बल्लेबाज मंगेश बैक टू द पैवेलियन चले गए हैं और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी की है। 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदर बल्ले के बीच चिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग और इस मैदान पर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान, जी जान लगा के खेल खेलना होगा, तब जाकर मजा आएगा। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज हकीम तैयार, इस बार सुंदर एफर्टलेस, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। फिर छठी गेंद पर आया चौका, ये लेखा जोखा है पहले ओवर का। रन संख्या पहले ओवर में 10 रन जीतने के लिए 40 चाहिए, तो मतलब 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर एक बार फिर वो ज्यादा चर्चा हो रही है, इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। समय के नजाकत को समझिए, 18 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। एलईडी टीवी बहुत खूबसूरत है हमारे लेफ्ट साइड पर और इसके स्पॉन्सर है इरशाद खान इनकी तरफ से, ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार जो कि एलईडी आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड पर। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल भी है प्रथमेश पाटिल, हमारे पानी के स्पॉन्सर है अक्सा मेडिकल, सोपारा केमिस्ट आरिफ अंसारी और मोहम्मद भाई, और एक बार फिर नौशाद खान भी हैं। बिल्कुल इस वक्त नौशाद भाई का आगमन हो रहा है, आपका स्वागत है, वेलकम, हम आपका दिल की गहरे से स्वागत करेंगे। भोपाल ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। 18 गेंदों का खेल शेष है, 40 रनों की जरूरत है, 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। समय एक बार फिर बार बार देखिए, दोनों अंपायर बता रहे हैं ज्यादा समय जा रहा है, पहले वीरेन नायर बता रहे थे, आप देखिए आशुतोष व्यापारी बता रहे हैं, क्योंकि आखिरी मुकाबले के लिए हमारे पास वक्त कम होता है। ये देखिए 4 ओवर का मैच है, ना कि 40 ओवर का मैच है। घड़ी देखे 5 की तरफ बढ़ गई है, वो तो रुकने वाली नहीं है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाजी करने के लिए शाहरुख। दूसरा षटक मैदानाच्या मार्गस्थ होते, गोलंदाज शाहरुख, पहला बॉल विश्वनाथ, विश्वनाथ साठी पहिला चेंडू आपण पाहताय, तर पहिला चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, चौकार, 4 धावा। स्टिकरच्या पाठीमागे आहे आणि विश्वनाथ जाधव ते दर्शवतोय पहिल्या चेंडूवरती त्याने चौकार प्राप्त केलाय आणि चौकारानं संघाच्या धावसंख्येला आपण पाहिले तर जाऊन पोहोचले असताना 14 धावा, 40 धावांची गरज आहे विजयासाठी, 14 धावा धावफलकामध्ये लगावल्या गेल्यात। दुसरा बॉल गोलंदाज शाहरुख पुन्हा एकदा सज्ज होईल, शाहरुख वर्सेस विश्वनाथ, रिबस अटेम करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आपण पाहताय, पंचांकडे दाद, यस पंचांचा बोट हवेमध्ये, विकेटचा पतन, विश्वनाथ जाधव बॅक टू डगआउट। प्रशंसा पहिल्या चेंडूवरती कव्हरला एक क्लासिकल ड्राइव्ह आपण विश्वनाथ जाधवच्या बॅटमधून चौकार पाहिला, त्यानंतर
हा रिवर्स अटेम्प्ट करणं इथपर्यंत योग्य होतं काय वाटतंय? कहते हैं ना कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। आप सीधे उंगली से घी निकलता तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? एफर्टलेस बल्लेबाजी विश्वनाथ कर रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे, तब जाकर अपन विकेट के ऊपर खड़े रहते तो 40 का टोटल इतना बड़ा नहीं बनता। अब देखिए यही स्कोर जो है गेंदबाज बड़ा बनाएंगे, तो ये एक बार फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती की विश्वनाथ ने। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन, जीतने के लिए 40 चाहिए, अभी भी 16 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 26 चाहिए। ये फासला जो है ना धीरे धीरे बढ़ने वाला है क्योंकि गेंदबाज का हौसला बढ़ रहा है। मैकेन बिसन बोल नक्कीच ज्याप्रमाणे गोलंदाजी सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहता 40 धावांची गरज असताना नवसिंग धावफलकावरती लगावली गेली आतापर्यंत 14 धावा। शाहरुखला ही विकेट प्राप्त झाल्या, शाहरुखसाठी एक महत्वाची भूमिका असेल। न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या आत आपण पाहिलं असेल जय विश्वकर्मा दाखल होतोय, विश्वनाची जागा भरून काढण्यासाठी जय विश्वकर्मा दाखल झालाय। तिसरा बॉल शाहरुख सज्ज होईल, चांगला बॉल आहे, चेंडू आपण पाहता निघून येतोय लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, एक धाव्या चेंडू वरती जरूर कंप्लीट केली जाते, फेकी चांगली आहे, थ्रो चांगला आहे, यष्टी रक्षक आपण पाहताय तर एक धावे ते एका धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे 15 धावा, तीन चेंडून जातापर्यंत खेळतोय 15 धावा। आणि प्रशांत सर एक नेहमी आपण म्हणत असतो की क्रिकेटमध्ये कुठलीही धावसंख्या मोठी नाही आणि कुठलीही धावसंख्या छोटी नाही, लोवेस्ट स्कोर देखील थांबवला जाईल। और दुसरी बात थोडा आगे जाके आपको बताता हूं, कोई भी खिलाडी बड़ा नहीं, कोई भी खिलाडी छोटा नहीं है। अ मैन ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से मान होता है जन्म से नहीं। तो यहाँ गेम बनाएगा नेम, यहाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी करे सर, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। तीन चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झाला, धावसंख्या धावफलकावरती लगावली गेले 15 धावा, 40 धावांचा पटलाग सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघ लढताना धानिवे एका बाजूने दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतात रिजवान इलेव्हन वसईचा हा संघ आपल्याला पाहायला भेटतोय, प्लीज जास्त वेळ घेता रिजवान। तीन चेंडू आतापर्यंत समाप्त या षटका दरम्यान, चौथा चेंडू सज्ज होईल शाहरुख, बॉल चांगला आहे, फटका देखील आपण पाहतात, एक धाव्या चेंडू वरती पाहायला भेटेल साहिल भाटी पुढे सरसावला, एकच धाव्या चेंडू वरती आपल्याला पाहायला भेटते, एक एक धाव खूप महत्वाची आहे। प्रशांत सर ज्याप्रमाणे हा मॅच आहे सिंगल जेवढा तुम्ही द्याल तेवढा दबाव दडपण प्रेशर धानिव संघावरती वाढेल। बिलकुल एक गलती करेंगे तो क्या होता, जब पाकिस्तान भारत का मॅच था और एक खिलाडी बल्लेबाज सेठ था और उन्होंने वो पीछे जाके खेलने की कोशिश की आखिरी ओवर में, शिशान ने कॅच लिया, एक बार फिर वर्ल्ड कप हाथ से चला गया था। 16 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात आणि 24 धावांची अजूनही गरज आहे, गोलंदाज शाहरुख सज्ज होईल, पाचवा बॉल फट इथे आपण पाहतात, चांगला बॉल आहे, क्षेत्ररक्षक साहिल भाटी चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव एक एक धावाने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली असेल तर जाऊन पोहोचते धावफलकावरती धावा 17 धावा। पटला करायचा होता 40 धावांचा, आपण म्हटल्याप्रमाणे एक लोवेस्ट स्कोर होता, लोवेस्ट स्कोरला देखील डिपेंड केलं जाऊ शकतं, त्याचं प्रत्यक्षीकरण मैदानाच्या सुरू आहे, डॉक्टर रिजवान इलेव्हनचा हा संघ मैदानाच्या दाखल आहे। शेवटचा बॉल शाहरुखचा, या शेवटच्या बॉलवरती काय कहाणीमध्ये ट्विस्ट घडेल, इथून एखादा मोठा फटका इथून एखादी विकेट अजूनही या मॅच मध्ये रोमांचक वाढवेल। 17 धावा धावफलकावरती आहेत, वसईपटा चषक 2021 एक प्रतिष्ठेची स्पर्धा। ओहो लेग स्टंपवरती बॉल होता, क्षेत्ररक्षक तिथे आपण पाहिलं तर सादिक अन्सारी, प्रशांत सर लोअर फुलटस बॉल होता, हा बॉल तुम्ही कुठेही खेळू शकले असते। म्हणूनच म्हटलं जातं की जीवनामध्ये दोन गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक आनंदाचा क्षण आणि दुसरा अन्नाचा कण। क्रिकेटमध्ये फुलटा झालेला चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, तो या ठिकाणी घालवलाय आणि त्याचा फायदा होईल। 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी इथून 23 धावांची आवश्यकता आहे। भोपाळ ग्रुप प्रेसिडेंट वसईपटा चषक 2021 में एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, मैदान में ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। बारा चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये विजयासाठी 23 धावा। प्रशांत सर ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना की लो स्कोर देखील डिपेंड केला जाऊ शकतो, 12 चेंडू 23 धावा आहेत, साहिल भाटी आणि त्यानंतर शाहरुखची गोलंदाजी पहा, साहिलच्या षटकामध्ये दोन चौकार जरूर आले, शाहरुखच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर प्रशांत सर त्यानंतरच्या 5 चेंडू मध्ये अवघ्या 3 धावा आणि एक महत्वाचा विकेट विश्वनाथ जाधवला त्याने तंबूच्या आसऱ्याला दाखवलाय। येणारे दोन षटक आणि दोन षटकामध्ये आपण पाहतायत 23 धावांची गरज आहे, अजूनही हा सामना 50-50 प्रशांत सर 50 हेलो तो 12 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हुसैन काजी, ओहो बहुत अच्छी गेंद थी, टिप ऑफ टंप के बाहर था, ऑनसाइड की तरफ अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने और चकमा देती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तर की तरफ जाती भी। विकेट जब मिलता है धनंजय तो मोमेंटम गेंदबाजी की तरफ जाता है। हुसैन काजी गेंदबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 23 चाहिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी है खास करके हुसैन काजी की।
जय विश्वकर्मा को मैं जानता हूं, ये भी एक गेम चेंजर खिलाड़ी है। राइट टर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुंदर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, विकेट कीपर गलती करते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। हुसैन काजी थोड़ा सा निराश है और यहां भाग्य का साथ मिलता हुआ गेंद बॉडी लाइन के बाद चार रन। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देते। इस बार देखिए जिस तरह से मुकाबला, जिस तरह से मैच है, ये जिस तरह से टूर्नामेंट है, थोड़ा सा भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा। बल्ले की बात करें तो नदीम मंसूरी जिन्होंने खूबसूरत बल्ला बनाया है, स्पॉन्सर बाय फखरुद्दीन बलवारी। एक तरफ अगर देखें तो 15 दिनों की ये मेहनत है, गोल्डन बल्ला है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बाइले की तरफ जाती विकेट। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, एक बार फिर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, यहां भाग्य का चौका मिलेगा। शुक्रिया डीजे चौके दो का खेल से जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। लगातार दो चौके आए हैं, एक बार विकेट कीपर ने गलती की, दूसरी बार अगर देखे तो विकेट कीपर के पास भी कोई मौका नहीं था। गेंद बल्ले को थोड़ी सी लगी और उसके बाद में फाइनल क्षेत्र की तरफ जाती भी, चार रनों के साथ खेल में पलट पर आता हुआ। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, क्रिकेट का खेल बदला है। एक बार फिर क्रिकेट का रंग बदला है, 9 गेंदों का खेल जैसे 15 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 23 चाहिए, 2 गेंदों पर बहुत जबरदस्त तरीके से वो 2 रन आए। अब देखिए 9 गेंदों का खेल शेष है, पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, अब बल्लेबाज के पास मौका है, प्रेशर बनता हुआ अब गेंदबाज के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद आंसर की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। शाहरुख ने गेंद को रोक लिया है, दूसरे के लिए आना चाहते, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा विकेट, और विकेट कीपर अब बहुत अच्छा काम करते हुए। बल्लेबाज हकीम बैक टू द पैवेलियन जाएंगे, विकेट की तलाश में थे, विकेट मिला है। 8 गेंदों का खेल शेष है, 14 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है मैदान के अंदर। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, 8 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को एक बार फिर चलाते रहना चाहिए, अच्छी गेंदबाजी तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी चाहिए, खास करके गेंदबाज की। 8 गेंदों का खेल है, 14 रनों की जरूरत है, अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और ये सात गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। गति परिवर्तन किया था विश्वकर्मा, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, हमला करने का प्रयास, शिकार बनके एक बार फिर बैक टू द पैवेलियन जाते हुए विश्वकर्मा चले गए हैं। तो इसका मतलब बल्लेबाज को जल्दी मैदान के अंदर आना होगा, और जो मैदान के अंदर फील्डर है वो अपनी जगह पर जाएंगे। और एक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पिछले मैच के हीरो आसिफ अभी डगआउट में क्या कर रहे थे? बहुत अच्छी तरह से एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त मैच उन्होंने खेला था, एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेली थी, अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हुसैन की बात करें तो हुसैन जबरदस्त खिलाड़ी है, चतुरा के साथ गेंदबाज का क्राफ्टी गेंदबाज है। 7 गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत है, मैदान के अंदर संघर्ष जारी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज मैदान के अंदर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरफ आसिफ पर स्ट्राइकर इनके तरफ अगर देखे नंदन एक जबरदस्त खिलाड़ी है, संघर्ष मैदान के अंदर जारी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑफ, मिडविकेट की तरफ खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है, दायरे के अंदर एक खिलाड़ी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, यह क्लीन बॉल्ड, चारों खाने चित कर दिया, फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज नहीं समझ पाए, खराब शॉट सिलेक्शन, स्वीप करने की कोशिश की थी। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, 6 गेंदों का खेल है, 14 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। शुक्रिया डीजे,
वसई पाटा चषक 2021 की बात करते एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। वसई पाटा चषक 2021 जीतने के लिए हम लोग हैं तैयार और इस मंच पर धमाका होगा, हर बार 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 धमाका हो रहा है। मैदान के अंदर अगर देखें तो 6 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है और अब जाकर बॉल की जरूरत है क्या, एक बार फिर देखें पानी की जरूरत है मैदान के अंदर। शाम का समय है, जब एक बार वो चाय बनती है तो चाय की सुगंध आती है, दूसरी तरफ से अगर देखें तो मैदान के अंदर वो पानी भी जा रहा है। ये पानी जा रहा है या डिन टॉनिक ये तो पता बाद में चलेगा। 6 गेंदों का खेल, 6 से 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चलता हुआ एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला है, भोपाल ग्रुप प्रेजेंट वसई पाटा चषक 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। आयोजनकर्ता फकरुद्दीन मलबारी, हर्ष चौधरी, शहजाद चौधरी, मुदस्सिर भाई, इरशाद खान, किशोर भाई काकड़े, उसके साथ आसिफ भाई। इस प्रतियोगिता की बात करें तो बल्ला है बहुत खूबसूरती के साथ नदीम भाई ने बनाया है और स्पॉन्सर भाई फकरुद्दीन मलबारी, एलईडी के स्पॉन्सर है इरशाद खान, मैन ऑफ द सीरीज साइकिल के स्पॉन्सर है प्रथमेश पाटिल, पानी अक्सा मेडिकल सोपर केमिस्ट आरिफ आसिफ अंसारी एंड मोहम्मद भाई। मास्क की बात करें तो दो गज की दूरी मास्क पहनना है बहुत जरूरी। तो मास्क की बात करें तो किशोर जी काकड़े इनकी तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। छेवटे 7 चेंडू शिल्लक है, जिंकण्यासाठी इथे बघितलं 14 धावांची आवश्यकता। एक छान सामना मैदानात रंगला है। धानेव की टीम की बात करें तो आसिफ मैदान के अंदर डटे हुए हैं। अर्षद जी इस वक्त है टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता, तो इनके साथ मोइन जी बैठे हुए। मोइन जी आपका स्वागत है, वेलकम, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, धनंजय भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इस मैच का आंखों देखा हाल हम मराठी और हिंदी में आपको सुनाएंगे। आसिफ तैयार, गेंदबाजी में राजू, मजा आएगा, ये बहुत अच्छा मैच, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर। बैटल है मैदानाच्या एका बाजूला राजू मिश्रा, दुसऱ्या बाजूने आपण पाहिलं असेल तर मैदानाच्या दाखल झालाय आसिफ। दानिव संघासाठी नेहमी तारणा ठरलेला हा खेळाडू प्रशांत सर, ज्याच्यावरती नजर आहे, ज्याच्यावरती क्षमता आहे, तर दुसऱ्या बाजूने राजू मिश्रा, डॉक्टर रिजवान इलेवन संघातील एक नामांकित खेळाडू आहे आणि नामांकित खेळाडू कुठल्या प्रकारे कामगिरी करतो ते देखील पाहण्यासारखं असेल। मॅचला सुरुवात होईल, पहिला बॉल स्ट्राइक नंबरती आसिफ, पहिला बॉलला उडवलाय, चेंडू जाईल थेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार, 4 धावा। जी प्रेरणा तुम्हाला जरूर देईल, इथून संघर्ष करायला हवा, येणारे 5 चेंडू मध्ये 10 रनची गरज आहे आणि 10 धावा दोनही मोठे खेळाडू आहेत। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, एक बार फिर संघर्ष मैदान के अंदर चल रहा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े 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 तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान जो छप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, वो आग एक बार फिर मैदान के अंदर लगनी चाहिए, मजा आएगा। अच्छा मैच चल रहा है, 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 10 रन। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिडविक की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा मैच चल रहा है, राजू तैयार है, आसिफ भी तैयार है। मनोबल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, संयम का भी खेल है। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। प्लाइटेड गेंद थी ऑफ टंप के बाहर, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरे की घंटी बज रही है। थ्रो किया लेकिन एक बार फिर थ्रो जो है स्टंप को नहीं लगा है। ये क्रिकेट का खेल इतना आसान नहीं है, यहां से कहना आसान करना बहुत कठिन है। मैदान के अंदर देखे तो अब 4 गेंदों का खेल, से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। वाट बगुम चले वाट लाभाची वेळ, 8 आणि कुणाची लागणार वाट, अतिशय दर्जेदार मैच मैदानामध्ये। रोमहर्षक सामना मैदानाच्या रंगतोय, 4 चेंडू आणि 4 चेंडू मध्ये 8 धावा। वसेपाटा चषक 2021 एक चांगली दर्जेदार स्पर्धा आणि दर्जेदार स्पर्धेमध्ये प्रशांत सर हा दर्जेदार मॅच आपल्याला पाहायला भेटतोय। डॉक्टर रिजवान इलेव्हन संघ एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूने धानिव आहे, इतिहास काय या मैदानावरती पुन्हा रचला जाईल, इतिहास या मैदानावरती घडेल का, येणारे 4 चेंडू आहेत, 4 चेंडू मध्ये विजयासाठी 8 डबींची गरज। राजू मिश्रा सज्ज होईल, आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बरासा बाहेर चेंडू इम्पॅक्ट होईल, पंच इशारा पोहोचवत आहेत, व्हाईट बॉलने धावसंख्या 4 चेंडू आणि 7 धावा। प्रशांत सर दडपण आहे, दबाव आहे, प्रेशर आहे, सर्व काही आहे। बिलकुल, ये खेल जो है दबाव का ही है, इस दबाव में एक बार फिर आपको वापस एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आना होगा और दबाव को झेलने की आदत होनी चाहिए।
विराट कोहली को एक सवाल पूछा गया था, लगातार वो शतक बना रहे थे तो एक सवाल पूछा गया था, आप दबाव को कैसे झेल पाते, तो बोला चैलेंज मुझे अच्छे लगते हैं और दबाव की बात करें तो मैं नाश्ते में खाता हूं। बहुत बेहतर, 3 गेंदे 7 रन, यहां से अगर 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट। इस बार हवा में खेलते हुए मिस टाइम शौक है, खिलाड़ी है, दैट शुड बी टेकन। राजू जी बन गए जेंटलमैन, आसिफ बैक टू द पैवेलियन जाते हुए, 3 गेंदों का कैच है, 7 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर, मंत्रणा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। अब 3 गेंदों का खेल जैसे 7 रनों की जरूरत है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा ले रहे हैं, इनको भी मजा आ रहा है, पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ एक अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। एक तरफ धानिव की टीम है, एक तरफ डॉक्टर रिजवान साहब की टीम है। डॉक्टर रिजवान साहबांकडून एक पारितोषिक येते, जर इथे रिजवान 11 वसेचा हा संघ जर विजय होतोय ना प्रशांत सर, तर 30,000 रुपयांचा पारितोषिक त्यांना दिले जाईल। क्या बात है, शेयर मार्केट कहां से कहां चला गया, अभी तक 21,000 के आसपास था, 30,000 तक पहुंच चुका है, भर्ती का नाम जिंदगी कुछ भी कम नहीं होने वाला है, वक्त बहुत कम है, जितना दम लगाना लगा लो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को धनंजय आप जगा लो। क्या मैच चल रहा है, 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राजू गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद तेज कदमों के साथ, इस बार अच्छी गेंद आंसर की तरफ, गैप में खेले गए तेजी के साथ, ट्रैवल बहुत तेजी के साथ जा रही है, अच्छी फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए, 2 गेंदों का खेल चाहिए, 5 रनों की जरूरत है, इक्का दुक्का नहीं चौका छक्का लगाऊंगा, आए हैं बाजी जीतने के लिए, पछाड़ कर जाऊंगा एक बार फिर, ये मुकाबला कर देखे, रोचक मुकाबला चल रहा है, हमारी सासे गले में अटकी, 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत, 2 चेंडू 5 धावे करते हैं। प्रशांत सर ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं असेल धानिव संघाचे महत्त्वाचे फलंदाज, एका बाजूला विश्वनाथ जाधव, जय विश्वकर्मा असतील, नंदन असतील, आसिफ असतील, हे सर्व महत्त्वाचे फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला परतले। प्रशांत सर ही एक महत्त्वाची जमेची बाजू आहे वसई संघाला, डॉक्टर रिझवानचा हा संघ आहे, 2 चेंडू 5 धावे गरज आहे, नशीब मेहनत कष्ट सर्व काही मैदानाच्या सुरू आहे। बिल्कुल, इस वक्त दबाव है, दबाव में कुछ लोग बिखरते कुछ लोग निखरते, निखरने का वक्त है, चर्चा ज्यादा हो रही है मैदान के अंदर, देखें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजू है, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून जाए हो, खून चाहिए, ये आत्मा भी आएगा जमीन पर, बस हौसले में एक बार फिर इरादों में भी जीत की गूंज चाहिए। इस मैच की अगर बात करें तो अच्छा मुकाबला, 2 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए यहाँ से 5 रनों की जरूरत है। राजू तैयार, 2 चेंडू 5 धावे करत असताना गोलंदाजी मार्ग पर आपण पाहता है, राजू मिश्रा स्ट्राइक एनवरती एका बाजूला पाहायला भेटेल विजय, तर दुसऱ्या बाजूने नंदू पाटील, 2 चेंडू 5 धावे करत, फटका चांगला आहे, एक धाव तर या चेंडू वरती कंप्लीट केली जाईल, दुसऱ्या धाव्यासाठी कुठलाही कॉल होईल का, दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, धावचीची संधी निर्माण झालाय, एक चेंडू आणि प्रशांत सर 3 धावांची गरज आहे, वसई फटा चषक 2021 रंगतोय सामना महत्वाचा, एक हाय वोल्टेज मॅच, एक चेंडू आणि 3 धावांची गरज। एक बार फिर कहते हैं ना, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और कंपल्सरी जैसे बिल्कुल, ये तो हमारे पालघर जिले में बहुत बार है, कंटिन्यू रहता है, तो एक मजा आएगा, अच्छा मैच चल रहा है। दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, आप अगर क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट को एक बार फिर जानते पहचानते हैं, तो दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, शानदार मुकाबला चल रहा है, बजेगी चिट्ठी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 1 गेंद 3 रनों की जरूरत है, हीरो बनने का मौका राजू के पास, हीरो बनने का मौका इस बार अगर देखो तो विजय के पास है, जिन्होंने एक शानदार कैच लिया है, एक हीरो बनेगा एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा एक खलनायक बनेगा, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है, और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन होने के बेस्ट एक्टर को देता है, वो बेस्ट एक्टर कौन है, विजय या राजू, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, एक हीरो एक जीरो, पीछे चली गई है, एक रन मुकम्मल किया, यहां थ्रो आया, एक बार फिर देखे क्या हो रहा है, कबड्डी भी हो रही है मैदान के अंदर, ये पीछे आए, अब इनको भागना पड़ेगा, भाग मिलकर भाग, और अब देखते क्या होता है क्या क्रिकेट है, ये फनी मोमेंट रहेगा साउली क्रिएशन के लिए, इस तरह की क्रिकेट बार बार नहीं होती, लेकिन दर्शकों को विनती कर रहा, पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ है, तालियां तो बजनी चाहिए, शानदार मुकाबला समाप्त हुआ।
डॉक्टर रिजवान देखे धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं, हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। नक्कीच डॉक्टर रिजवान इलेवन वसे। राजू भाई चला अपन बाहर, राजू भाई मैच सुरू होता है, नेक्स्ट मैच ऐसी दिशा अपन बोलना आहोत। राजू मिश्रा जी अपन चला मैदान बाहर, सर्व खेलाड़ू बाहर लवकर या, धन्यवाद।